हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृतिका एंड वेलकम बैक टू कृतिका बीएसी क्लासेस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022। सो यहाँ पे आज हम एमएससी जूलॉजी का न्यू सिलेबस एंड हाउ कैन क्लियर द लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स, स्टडी स्ट्रेटजी एंड बुक्स के बारे में, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, ताकि आप इजली किस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉकिंग अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर 2022 में प्रिपरेशंस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म आउट हो चुका है, आपका लास्ट डेट जो है वो आपका 10 जून को है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर होता है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी में निगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो आपको पता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हम जब देने जाते हैं तो उससे पहले सबसे पहला जो डाउट होता है हमारा यही होता है कि सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्वेश्चंस कितना पूछेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली यही डिस्कस करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। ये सिलेबस मैंने पेपर के अकॉर्डिंग ही रेडी किया है, तो इस सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हैं। इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका एनुअल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका ऑल फाइलम्स होते हैं। जितने भी फाइलम्स हैं, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, प्लैटीहेलमिंथीजा, एस्केहेलमिंथीजा, आपके ऑल वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर नॉन कॉर्ड हैं, हायर नॉन कॉर्ड हैं, तो इसमें ये जितने भी फाइलम्स हैं बेसिकली ऑल फाइलम से आपकी कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम पूछता है, इससे अदरवाइज कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें लीज की, तो लीज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे लीज से आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे या कोई भी आप नेक्स्ट ईयर की जो बच्चे होंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड किया होगा, यहाँ पे हमारे चैनल पे भाग्यश्री कुलकर्णी है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 2nd रैंक उनका आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सो आप उनसे भी टॉक कर सकते हैं। उनका हमने इंटरव्यू भी लिया था, तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, क्या स्ट्रैटेजी और कौन से सिलेबस को फॉलो किया था, उनसे भी आप टॉक कर सकते हैं। लीच होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपका मिनिमम लीच से उठाता है। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन किस तरीके से होता है, इससे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें एनालिडा की, तो एनालिडा का जो लार्वा स्टेज होता है इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। एनालिडा का जो लार्वा स्टेज होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद होती है डिजीज, जो फाइलम्स होते हैं एंड वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर नॉन कॉर्डेट होते हैं, इनसे जो रिलेटेड डिजीजेज होती है, जैसे कि आपका पता है कि ट्राइपनोसोमा है, स्लीपिंग सिकनेस है, जो डिजीज होती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपका डिजीज से लेता है। तो नेक्स्ट यूनिट है आपका बायोस्टैटिक। बायोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो बायोस्टैटिक में जो टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपका होता है कोएफिशिएंट कोरिलेशंस होता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस पूछता है। आपका जो रिग्रेशंस होता है, रिग्रेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जिसमें कि सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपका कवर होता है मीन, मीडियन एंड मोड से क्वेश्चंस आपका पूछता है, ठीक है। एंड द ची स्क्वायर टेस्ट होता है। तो ये बायोस्टैटिक आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोस्टैटिक में आपका 3 से 4 क्वेश्चंस आपका सिर्फ बायोस्टैटिक से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक की बात करें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, तो वो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, एक्सक्रीशंस हैं एंड डाइजेशंस, इनसे सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस कवर किए गए थे अभी तक। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 2021 का, 2021 का अगर क्वेश्चंस की बात करें कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अभी तक इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का फंक्शंस एंड एक्सक्रीशंस
इसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर्स एंड डाइजेशन, ठीक है। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस कवर हुए थे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका बायोकेम, यानी बायोकेमिस्ट्री की बात करें कि बायोकेमिस्ट्री में आपका कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपका मोनोसैचुराइड है, डाइसैचुराइड है एंड इनकी एंड इनसे रिलेटेड जितनी भी बॉन्डिंग थी, जैसे कि आपका अगर हम बात करें कि मोनोसैचुराइड एंड डाइसैचुराइड से रिलेटेड जितनी भी बॉन्डिंग्स होती हैं इनसे क्वेश्चंस पूछता है, स्पेशली बायोकेम से अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहते हैं ना कि किसी भी पेपर का एक मेन पार्ट होता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे पूछता है, तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस आपका लेता है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन की बात करें तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप करने के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टॉपिक की कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन, ऑल द थ्योरीज ऑफ द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जितनी भी थ्योरी है उसको आपको मेनली पढ़ना है, ठीक है। इनके बुक एंड राइटर, जैसे कि आपका देता है कि कौन से बुक के कौन से राइटर थे, इस पर फोकस करना है। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस क्या होता है, जिसमें कि इनका जो इवोल्यूशंस का पैटर्न कैसा होता है, जिसमें कि एनालॉजी एंड होमोलॉजी इससे आपका क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। जिसमें कि कोवर्जेंट इवोल्यूशंस है, डिवर्जेंट इवोल्यूशंस है, को इवोल्यूशंस है, पैरेलल इवोल्यूशंस है, कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा इसे। अगर आप स्पेशली अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इस सिलेबस को सिर्फ वनली आप फॉलो कीजिए, अदर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपका एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के टॉपिक्स की बात करें कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, तो स्कैडियन राइथम साइकिल से आपका बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बिहेवियर के जितने भी अदर टॉपिक है इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो राइथम साइकिल है इसको आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें इनका वर्किंग एंड फैक्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी, अगर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में आपका टॉपिक कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ पे इकोलॉजी की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बेसिक चीज़। यहाँ पे अगर आपका 11th और 12th क्लास का बेसिक क्लियर है, अगर आप NCERT को कवर कर लेते हैं, NCERT से अगर आप 11th 12th क्लास का इकोलॉजी का बेसिक देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको इकोलॉजी से और क्वेश्चंस नहीं पूछता, ठीक है। इकोलॉजी में इकोलॉजी पिरामिड, फूड चैन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है। नेक्स्ट यूनिट था आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इसके टॉपिक्स की बात करें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेव बायो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है तो वो आपका होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, क्लीवेज पैटर्न एंड टाइप ऑफ एग, मतलब एग का फ्रॉग का किस तरीके से इनका क्लीवेज पैटर्न होता है, किस तरीके जोलैथिकल होता है, टीलोलैथिकल होता है, तो ये टाइप ऑफ एग पूछता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस पूछता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के इनके फंक्शन और इनके फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो डेव बायो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे आप स्किप करने के बारे में आप सोचिएगा भाई। नेक्स्ट यूनिट आपका एंटोनॉमी है, एंटोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपका दिया रहता है, ठीक है। जो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपका हार्ट एंटोनॉमी, किडनी एंटोनॉमी, किडनी से, होमोलॉगस से एंड एनालॉगस से क्वेश्चंस पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता है। नेक्स्ट यूनिट आपका इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स में आपका आता है इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी है, एंटीजेंस होता है, टी सेल एंड बी सेल। नेक्स्ट यूनिट है आपका सेल बायो, सेल बायो के टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल जंक्शंस होता है,
सेल जंक्शंस को यहाँ पे आप सेल बायो में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सेल जंक्शन जो होता है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ पे स्पेशली जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सेल बायो से क्वेश्चंस रिलेटेड आता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी अपर्चर्स होते हैं एंड लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चंस पूछता है, इससे अदरवाइज कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपका मिनिमम सेल बायो से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछता है, बट 2 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके सेल जंक्शन से होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बैक क्रॉस है एंड टेक्स्ट क्रॉस से क्वेश्चंस पूछता है स्पेशली। यहाँ पे जेनेटिक्स को इससे रिलेटेड ज़्यादा किसी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा वो कवर करता है, ठीक है। जिसमें आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इससे इसके जो रिलेटेड टॉपिक आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, वो आपका रेप्लिकेशंस है, ट्रांसक्रिप्शंस है एंड ट्रांसलेशंस है। इन्हीं तीनों टॉपिक से सबसे ज़्यादा मॉल बायो से आपके क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हाउ कैन क्लियर लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम 2022। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली हम 2022 के प्रिपरेशन टिप्स की बात करेंगे, कौन से टिप्स को आप फॉलो करके इंट्रेंस एग्जाम्स को ईजिली क्वालिफाइड कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका मैक ए प्रॉपर टाइम टेबल। सबसे पहले किसी भी इंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने से पहले आपको ये सजेशन दी जाती है, जो भी गाइडनेस मिलती है उसमें यही आपको होता है कि आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। किसी भी काम को हम करने के लिए अगर हम टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सो हम इजीली किसी भी चीज़ को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट बिफोर द स्टार्टिंग द एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन मस्ट द प्रिपेयर द प्रॉपर टाइम टेबल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैक ब्रीफ नोट। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप नोट बनाइए, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम्स को दे रहे हैं तो आप नोट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आप बुक से पढ़ें, PDF फाइल से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी यूट्यूबर्स रहे हैं, तो उस चीज़ को जहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट नोट है, जो भी आपने कॉपी और पेन हाथ में लिया वहाँ पे उस पर आप नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप इंट्रेंस एग्जाम्स को देने जाते हैं, आपके पास 1 वीक या 2 वीक्स टाइम होता है, तो उसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारी जो हम नोट हम बनाते हैं वो हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्व सैंपल पेपर। सबसे पहले आप सैंपल पेपर को डिस्कस कीजिए एंड पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। जैसे अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का सैंपल पेपर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीड द टॉपिक्स रेगुलरली। अगर आप रिविजन्स करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गो थ्रॉट द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस। यहाँ पे अभी हमने जो सिलेबस डिस्कस की, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप इजीली इंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपके बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। जितने भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं या फिर आप किसी भी कहीं से भी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपका डेली जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उसको अगर आप अटेंड करते हो तो इतना पता चलता है कि मैं किस तरीके से मेरा प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। उससे आपका ये आपकी एक बेस पता चल जाती है कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँगी और मुझे कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शायद बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता होगा कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्यूज़ करवाते हैं, साथ में हमारा टीचमेंट ऐप पे भी डेली टेस्ट होता है, तो आप इजीली इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में टेस्ट को अटेंड करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होता है, अगर आपको पैट टेस्ट अटेंड करना है तो वहाँ पे वो आप टीचमेंट ऐप पे आप कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रिपेयर फॉर द गुड स्टडी सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टडी स्ट्रेटजी एंड बुक्स के साथ आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी के साथ आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट आता है नोट एंड हाईलाइटिंग द बुक। आप कोई भी बुक्स को पढ़े, बुक पढ़िए या फिर ऑफलाइन आपके पास कोई बुक्स पड़ी हुई है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो उस बुक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप सबसे पहले हाईलाइट कीजिए। ठीक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बुक होती है आपकी पाथ फाइंडर की बुक होती है, जो कि आपकी लाइफ साइंस की होती है। इस बुक्स के 2 पार्ट होते हैं। इसको पाथ फाइंडर की बुक लाइफ साइंस की जो आती है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, और इस वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाके इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है आपकी अनीता सेगल की। अनीता सेगल की पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की जूलॉजी की बुक आती है, जिसे कि काफ़ी बच्चे रेफ़र करते हैं कि आप इस बुक को ले सकते हैं। तो आप थर्ड आपकी बुक आती है कोटपाल की बुक आती है, जिसमें कि आपका कंप्लीमेंट्री एंटोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये कोटपाल की बुक, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फोर्थ बुक की बात करें तो आपका बायोस्टैटिक है, जो कि आपकी प्रणव कुमार बनर्जी की बुक आती है। इस बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं पाथफाइंडर, कोटपाल एंड बायोस्टैटिक। ये तीनों बुक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे इन तीनों बुक्स आपकी PDF के रूप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, साथ में किस तरीके से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, किस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, आप कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सी बुक्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस की। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।